हेलो भाइयों, मैं हूं नितिन सारस्वत और आज भाई हम आए हैं किया के शोरूम में क्लासिक मोटर्स। भाई एक चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा माफ़ी चाहूँगा, विंड नॉइस के लिए। आज भाई बहुत ठंड और टेम्परेचर यार अलग ही लेवल का हो रखा है और आज वो सब बात अलग करते हैं, लेकिन आज हम करेंगे एक गाड़ी का रिव्यू जो कि भाई मतलब ऐसा कह सकते हो कि कम नज़र में आती है रोड पर। अगर इसकी जो देखें ओवरऑल प्राइस के ऊपर, तो भाई एक दिखाता हूँ कौन सा मॉडल है। लिमोजिन है भाई, कार्निवल लिमोजिन, ये शायद से इनका टॉप मॉडल है। तो आज इसके फ़ीचर गिनवाऊँगा कि क्या क्या फ़ीचर आपको प्रोवाइड करती है गाड़ी 40 लाख के बजट में। भाई 40 लाख में आपके पास और क्या क्या ऑप्शन है, फॉर्चुनर भी है, ठीक है, 2-4 लाख एक्स्ट्रा लगा लोगे तो फॉर्चुनर आ जाएगी 4x4 में। लेकिन आज कंपेयर करूँगा कि भाई ये गाड़ी क्यों लेनी चाहिए अगर भाई अच्छा खासा बजट है, 42 लाख रुपये भाई कम नहीं होते, तो उस हिसाब से बताऊंगा कि आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये इसकी ग्रिल जो कि बहुत ही ब्रॉड है, अगर गाड़ी को आप सामने से देखो ना तो चौड़ी बहुत है यार गाड़ी, और लंबाई में भी बहुत है। सामने से अगर जब मैंने पहली बार देखी तो मैंने कहा यार ये तो बहुत ही चौड़ी गाड़ी है, ठीक है। ये ग्रिल मिल जाएगी बड़ी सी, और नीचे वो मिल जाएंगे आपको रेडिएटर ग्रिल, इधर आपको मिल जाएगा फॉग लैंप, ये दो फॉग लैंप का ऑप्शन दिया है इन्होंने, 2 पार्किंग सेंस, 1, 2 और 3 और 4, भाई 4 पार्किंग सेंसर मिलेंगे, और ये टोचन करने के लिए दिया है, ठीक है। और अब इनकी हेडलाइट्स पे चलते हैं तो 2 प्रोजेक्टर दिए हैं इन्होंने, हाई बीम और लो बीम के लिए प्रोजेक्टर ही मिलेंगे आपको, और ये इंडिकेटर, ठीक है। यहाँ पे आपको फॉग लैंप का सेटअप दिखाई दिया, बड़ी प्यारी सी क्रोम की लाइन निकाल रखी है इन्होंने। प्लस इसका जो मैं कहूँ कि बोनट, यार एक SUV को रिगेड लुक देने के लिए बोनट जो निकाल देती है कंपनी वो अलग ही चीज़ है, लेकिन इसमें भाई आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, बोनट वोनेट दिखेगा ही नहीं भाई एक तरीके से मानो तो। गाड़ी बिल्कुल बोनट जो गड्ढे में घुस गया है, अभी दिखाऊंगा अंदर से जब व्यू दिखाऊंगा ना। तो भाई मॉडल ऑटोमेटिक है, ठीक है। अगर इसकी अलॉय व्हील देखो भाई तो बहुत ही डिफरेंट है यार, एक क्रोम टाइप पता नहीं अजीब सा ही लग रहा है, एक बहुत ही ज़्यादा क्रोम कर दिया यार इन्होंने, फुल क्रोम में है ये मान लो अलॉय जो है, ज़्यादा चाइनीज़ चीज़ नहीं करते, बहुत ही वैसी लग रही है, फुल क्रोम में है, ठीक है। गाड़ी बाकी इनोवा जैसी लग रही है अगर वैसे देखो तो, ठीक है। ऑटो की ब्रांडिंग बैजिंग, ठीक है। ORVM पे ही इंडिकेटर मिलेंगे, ORVM भाई बहुत ही ब्रॉड है, महिंद्रा जैसे ORVM और बड़े बोल लो, स्कॉर्पियो से तो छोटे ही हैं लेकिन जैसा मैं देख पा रहा हूँ। यहाँ पे भी आपको एक मिरर मिलेगा जो कि शायद से बोलते हैं ना कि एक हेल्पिंग मिरर टाइप, वो एक इन्होंने दिया है, ये उधर भी देख सकते हो आप। अच्छा एक्चुअली बारिश हुई थी तो गाड़ी भाई गीली है, तो माइंड मत करना उस चीज़ का, ठीक है। प्लस भाई बहुत बंदे बोलते हैं, इसकी चाबी देख लो पहले, ये पुराना किया का लोगो आएगा इस चाबी में, कि ये और ये इस वाले बटन से फीचर्स बताता हूँ आप आपको। पहले बाहर से थोड़ा सा वो बता देता हूँ, वॉक अराउंड दे देता हूँ, 1 और 2, ये पार्किंग सेंसर नहीं, बेसिकली इसको जब दबाओगे तो अभी गेट पीछे खुल जाएगा, देखो गाड़ी ऑफ है तब भी गेट पीछे खुलता चला गया, और भाई जादू है गाड़ी के अंदर, अभी दिखाऊंगा क्या क्या। गेट को बंद कर देते हैं अपने, देखो भाई 1 दिखा दिया, 2 जगह से तो एक ऑप्शन तो दिखा दिया इस गेट को खोलने का, अभी दिखाऊंगा और क्या क्या है। भाई गेट खोलने के ही ऑप्शन दे रखे हैं इस गाड़ी में, और कुछ भी नहीं है इस गाड़ी में, ठीक है। और अगर बूट स्पेस, भाई बूट स्पेस चाहिए ना, ओ भाई अच्छा ऑटो अपहोल्ड है भाई ये, या आप हाथ से नहीं उठाओगे अपने आप ही उठता चले जाएगा, नवाबों वाली फील चाहिए गाड़ी ले लो, ठीक है। और देखो भाई अच्छा इन्होंने सीट इंक्लाइन कर रखी है, मैंने सोचा कि यार गाड़ी की सीट ही क्या चक्कर है, इसको चलो ऐसे करके देखते हैं भाई। अच्छा इसको ऊपर उठाना पड़ेगा भाई आपको, जब जाके सीट इंक्लाइन होंगी। अच्छा भाई बहुत ही टफ है, मतलब अगर सिंगल बंदा इसको करने की कोशिश करेगा तो नहीं हो पाएगा, ये देखते हैं और ट्राई करते हैं, 1 सेकेंड चलो मैं भी आपको वीडियो में बने रहना, वीडियो में ही दिखाऊंगा कि क्या है, ठीक है। पीछे से देखो ना यार, बम्पर पूरा मेरे को ऐसा लग रहा है फॉर्चुनर नहीं आती थी उसमें, एक इन्होंने लेक्सस की किट लगा के देना चालू कर दिया था, वैसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे आपको ये मैट टाइप मिलेगा, और भाई यहाँ पे भी क्रोम, मेरे को गाड़ी एक चीज़ से थोड़ी वैसी लग रही है, इसमें क्रोम बहुत यूज़ किया गया यार, इसको बंद कर दे, यहाँ से भी ऑप्शन है, अब देखो कितना बढ़िया लगेगा। अच्छा कोई बीच में ऑब्स्टिकल आ जाए ना भाई, इसमें वो नहीं है, कोई बीच में ऑब्स्टिकल आ जाए तो ही बंद हो जाता है, मैंने ट्राई करके देखा, ठीक है। शार्क फिन एंटीना, भाई गाड़ी इतनी ऊंची है कि मेरे को छत नहीं दिख रही। प्लस ये हाई स्टॉम्प लैंप मिलेगा यहाँ पे, वाइपर और डिफॉगर दोनों चीज़ मिलेगी,
किया की पुरानी वाली बैजिंग। अच्छा ये पुराना वाला मॉडल है, ठीक है, नई बैजिंग के साथ नहीं आ रहे, जो इनका AD सीरीज है देख सकते हो आप, अभी हमारे हल्द्वानी में AH या HI चल रहा है, तो ये ज़्यादा पुराना नहीं है यार, होगा 6-7 महीने पुराना वाला मॉडल होगा ये, तो यूँ मत सोचना है भाई पुरानी गाड़ी का रिव्यू कर रहा है और ये सब, गाड़ी नई है वो, ठीक है। टायर प्रोफाइल की अगर बात करें भाई, बहुत बंदे परेशान रहते हैं, 18 इंच के भाई, ठीक है, 235/60R18/03H ये टायर प्रोफाइल भाई में आपको मिलेगी। टॉप मॉडल है लिमोजिन, 2.2 का आपको इंजन मिलेगा, और जो कि बेसिकली सब गाड़ियाँ दे ही रही हैं, ठीक है। पीछे का ये जो मिरर है भाई, बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है अगर इन कंपेयर करो आप दूसरी गाड़ियों से। अच्छा ठीक है, ये बात हो गई यहाँ की, बोनट खोल के दिखाता हूँ कि क्या है, बोनट खोल के इंजन दिखाता हूँ ज़रा, कैसा इंजन बनाने की कोशिश करिए भाई, फिर पता चलेगा कि गाड़ी में एकदम हैवी कि नहीं है यार। वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी तो माइंड मत करना, ठीक है, क्योंकि गाड़ी इतनी लंबी है तो वीडियो तो भाई, ओ भाई बोनट तो है हैवी भाई, फील तो आती है। CRDI 16 volt, जो कि वरना में आता था ऐसी कवरिंग का, ये इन्होंने हुंडई का इंजन लगा के दिया भाई। इंजन आपको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, खाली ऐसे कवर ओवर सा देखने को मिलेंगे, इंजन इन्होंने ढका है पूरा, ये कह सकते हो आप, ज़्यादा दिखाने की कोशिश नहीं करिए, पता नहीं क्या डर लग गया इनको, हाथ गंदे हो गए यार, ठीक है। इंजन भी दिखा दिया, अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और जादू दिखाता हूँ आपको भाई। गेट तो भाई है भाई, हैवी हैं, ठीक है, जैसा बोलते हैं ना कि 3-star रेटिंग गाड़ी वैसी लगती नहीं है, इसके अभी रेटिंग्स नहीं आई हैं, उसके बाद पता चलेगा कैसी गाड़ी है। अच्छा ये है आपके ORVM को बंद करने के लिए, इसमें आप ऑटो भी कर सकते हो, ये मिरर को ORVM को सेट करने के लिए, ये लेफ्ट राइट अच्छे ऑप्शन बना रखे भाई, लॉक अनलॉक अनलॉक कर देते, ये दोनों चारों विंडो भाई आपको ऑटो में मिलेगी, होगी कोई ऐसी गाड़ी, चारों विंडो ऑटोमेटिक, ये थोड़ी जगह भी मिल जाएगी यहाँ पे, प्लस वुडन की फिनिश मिलेगी, एक बोतल होल्डर यहाँ पे, थोड़ा सा और बोतल होल्डर यहाँ पे, थोड़ा स्पेस कुशन दिया है यहाँ पे, आए हाय भाई मज़ा सा आ गया गाड़ी को देख के। सॉफ्ट टच दिखाऊँ कितनी जगह यूज़ हुआ है, टॉप मॉडल है जबकि ये फॉर्चुनर से कंपेयर करेगी तो भाई गाड़ी में होने भी तो चाहिए कुछ ऐसे फीचर। क्रोम गिनाते हैं भाई, इस गाड़ी में क्रोम बहुत लगा है ये। अच्छा मीटर देखते हो भाई, तो मीटर भी कुछ हटके ही है, देख लो ये, देखो भाई एक सेकंड भाई मैं बंद करता हूँ इसको, ऑफ कर दिया, ठीक है। यहाँ से आप मीटर देख सकते हो, फ्यूल इकोनॉमी और भाई मीटर। अच्छा अच्छा एक चीज़ क्या मैं गलत देख रहा हूँ कि जैसे आपने देखा होगा, ठीक है, क्या देखा होगा कि जैसे ये जो फ्यूल का जो ये दे रखा है ना इन्होंने मार्किंग, ये एरो इस तरफ बनी हुई है जबकि फ्यूल लीड जो है इस तरफ है, ये गाड़ी में पता नहीं क्या दिक्कत सी है यार। मैंने जितनी भी वीडियो देखी उनमें ये फ्यूल लीड का साइन इधर जिधर होता है, जिधर आपका फ्यूल लीड का भरने का फ्यूल जो होता है वो होता है, पार्किंग मोड पर लगी हुई है जैसा कि देख पा रहे होगे आप, ठीक है। और स्पीड जो है 240 तक दे रखी है भाई, 220 तक भगी जाएगी है, 40 दे रखी है तो, ठीक है। गाड़ी भाई अत लंबी है अत, अभी इसका रिव्यू कर रहा हूँ मैं और देखेंगे भाई, इसमें इतनी काम की चीज़ें हैं बताने को कि आपकी पुरानी वाली बैजिंग भाई, मेरे हाथ बहुत गंदे हो रखे हैं कि गाड़ी यार, बारिश का टाइम और गाड़ी पूरी सनी पड़ी थी, अब मैं भी सन गया, ठीक है। और यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलेगा, ये MID मिलेगी बड़ी सी, टच बहुत ही स्मूद है, UVO करके एक इनकी टेक्नोलॉजी थी वो भी है इसमें, और वॉइस मेमो करके भाई बहुत फंक्शन है यार इसमें तो, 3:18 PM टाइम बता रही है वो तो बेसिकली सब बताती है, UVO टेक्नोलॉजी है, ब्लूटूथ होगा ये, ठीक है। ये भाई इसका ऑटोमेटिक का जो होता है ब्रेक दबाओ, ऐसे कर सकते हो, डी मोड पे डाल दी, आगे बढ़ानी है तो न्यूट्रल पे डाल दी, रिवर्स पे डाल दी, ठीक है, ये पार्किंग पे डाल दी, इसी पे स्टार्ट होगी बेसिकली ये। अच्छा बिना ब्रेक के दबा के देखता हूँ ना भाई, बिना ब्रेक के नहीं जा रहे तो मतलब बिना ब्रेक के ये जो आपका ऑटोमेटिक गियर है काम नहीं करेगा। क्रेटा जैसा कुछ बनाया भाई इन्होंने, USB और ये भाई ये वायरलेस चार्जिंग मिल जाएगी आपको, ये किसका ऑप्शन है यार, ये तो बतेरे ऑप्शन भाई इतने भर रखे हैं इन्होंने, ये हजार्ड लैंप का, रेयर लॉक, रेयर ऑन, ये सब दे रखा है इन्होंने। अच्छा अच्छा ये AC कंट्रोल्स हैं, ठीक है। गाड़ी भाई नई है ना, इसमें अलग ही क्लाइमेट कंट्रोल, फलाने कंट्रोल, ढिमकाने, देखो यहाँ से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, दिखाएगा या फिर ये, हाँ भाई दिखा रहा है, मज़ा सा आ गया भाई गाड़ी में तो फुल, ये देखो। अच्छा ये भाई ये जो देख रहे हो आप, ये है इन्फोटेनमेंट के,
और ये जो कंट्रोल देख रहे हो भाई, ये हैं आपके एसी के, ठीक है, इतनी बात भी समझा दी। दो एसी वेंट मिलेंगे और भाई डैशबोर्ड आता लंबा। यहाँ पे इन्होंने फॉर्चुनर वाली जो होती है ना सिल्क चिकनाहट वाली चीज़ वो दे रखी है। बोनेट बिल्कुल नहीं दिख रहा यार, अब घुस गया बिल्कुल गड्ढे में यार, ठीक है। यूवीओ टेक्नोलॉजी, ऑटो आरबीएम मिलेंगे, टो का साइन दे रखा है, एसओएस का साइन दे रखा है भाई। नहीं 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 एंड कर देते हैं, ठीक है, ये अभी किया में चले गई होगी ये बात। एसओएस का बटन दबा दिया ना मैंने। ये भाई बूट को खोलने का यहाँ से दे रखा है। और भाई ये दो मिलेंगी आपको सनरूफ, ये एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, बेसिकली मूनरूफ बोलते हैं इसको। यहीं से खोल के दिखाता हूँ, चलो खुल गई देखो। अच्छा इसमें एक सिंगल टच वाली नहीं है ये, खोल दी है, अब पीछे चढ़ के दिखाऊंगा कैसी है। खुल गई, वही चीज़ है भाई, पीछे भी दे रखा है इसका बटन। बढ़िया यार, दो दो सनरूफ मिल गई गाड़ी में, और क्या चाहिए, 40 लाख भी तो फूंक रहे हो। हो गई भाई बंद, अब सनरूफ दिखा दी। बेसिकली सनरूफ में वही होता ही क्या है भाई, छोटा सा ये दे रखा है गाड़ी के पीछे देखने के लिए, आपको मिल जाएगा कि गाड़ी में क्या है। ये अच्छी चीज़ दे दी इन्होंने, ठीक है। ये है क्या है, अच्छा भाई ये है देखो, यहाँ से भी आप इसको सेट कर सकते हो, ये देखो बंद हो जाएगा, ठीक है, कमाल की चीज़ है भाई। गेट ही बंद करने में रह जाओगे भाई आप, इतने फंक्शन है गेट बंद करने के लिए, तो इसमें अत वहाँ पे भी ऑटो, और भाई गाड़ी अनलॉक लॉक करने के लिए भी यहीं पे ही मिलेगा। होगी कोई गाड़ी जो यहाँ पे दे दे ड्राइवर सीट के अलावा, ठीक है। ये मिल जाए भाई ग्लव बॉक्स, छोटा सा है भाई ग्लव बॉक्स तो क्या ही बोलोगे। ये मिल जाएगा आपको कुछ सामान रखने के लिए। पीछे चलते हैं भाई, पीछे की बात करते हैं भाई, अब गाड़ी इतनी लंबी है यार, देखते देखते परेशान हो जाओगे भाई आप। वीडियो इतने फीचर भर रखे हैं गाड़ी में यार, तमाम विकट जिसे बोलते हैं। अच्छा यहाँ से खोल के दिखाता हूँ, चाबी के फंक्शन दिखाता हूँ भाई। लॉक ऐसी आवाज़ करेगी, अनलॉक, और भाई यहाँ से ये वाला गेट खुल जाएगा, देखना होल्ड करके रखूँगा मैं, वो वाला खुल गया भाई, चल के दिखाता हूँ। अबे इन्होंने सिस्टम ही गलत दे रखे हैं यार, जैसे गाड़ी आपकी इधर खड़ी है, देखो होल्ड करके रखूँगा मैं, चले गए भाई अंदर, ठीक है। चाबी में भी दे रखे इन्होंने, ये गेट जो है भाई बहुत ही अच्छी इन्होंने मोटर लगा के दी है, ठीक है, चाबी से भी आप गेट को खोल सकते हो। बूट स्पेस भाई छोटा ही है, ठीक है, और अब बीच मिडल रो दिखाता हूँ आपको, ठीक है। गाड़ी में बस घुसने की जल्दी हो रही है, यहाँ पे इतनी बड़ी वेलकम प्लेट मिल जाएगी, यहाँ पे ऑटो ही मिलेगा, क्या है ये, अच्छा भाई ये आपका शान और शौकत वाली चीज़ हाई सपोर्ट, जो पूरा टेक के सो जाओ अपना मज़े से। ये क्या है, ये इसको सीट को आगे पीछे करने के लिए होगा, और ये अच्छा ये ऊपर भी हो जाती है सीट भाई, ठीक है, ये सीट को आगे पीछे करने के लिए। अब मैंने एक महिंद्रा की एक्सयूवी की मैं बात कही थी, ये वाले होने चाहिए भाई आर्मरेस्ट हों तो, क्योंकि ये इन्हीं से जो है, मैं क्या कह रहा था भाई, अरे बंद कैसे, तमाम तो फीचर दे रखे हैं यार इन्होंने, ठीक है। बात करते हैं पीछे की भाई, सीट नहीं है भाई कंफर्टेबल, जो बात है, ठीक है, मजाक मानोगे या चाहे कैसे ही मानो, सीट नहीं है बिल्कुल भी कंफर्टेबल, ठीक है। अब ये देख सकते हो भाई आप यहाँ की स्क्रीन, इसको ऑन करके दिखाते हैं, चलो भाई ये स्क्रीन भी ज़्यादा लंबी नहीं है, लेकिन भाई काम चल जाएगा पीछे वालों का, ये नेट जैसे मिलेगा, जैसे ऑडी में मिलता है ना वैसे। स्मार्ट एयर प्योर सिस्टम है भाई इसमें, दो कप होल्डर मिल जाएंगे, आर्मरेस्ट भी बहुत बड़ा, भी दिखाता हूँ, दिखाया ही नहीं मैंने तो। ये भाई जैसे फ़ोन वोन चार्ज करने के लिए, ठीक है, वो मिल जाएगा। एसी 220 वाट, मैक्स 220 वाट। ये क्या चीज़ है भाई, ये खुल नहीं रहा यार अभी, ये प्योर एयर सिस्टम का होगा शायद से। गाड़ी बहुत एरी है यार पीछे से, अच्छा यहाँ अंदर का सिस्टम बोलोगे भाई, अंदर से कैसे होगा, या तो आप यहाँ से कर लो, ठीक है, हो रहे हैं गेट बंद, या तो आप इस बटन से गेट बंद कर लो अंदर से, या भाई ऐसे एक बार ऐसे करना हो जाएंगे बंद, लेकिन भाई नहीं, अब हमको चाहिए गेट बंद ही रहे। यहाँ पे भी भाई आपको ऑटो का ऑप्शन मिलेगा, ऑटो स्क्रीन ऑफ करने का, और ये सन वाइज़र मिल जाएगा, बाहर से कुछ लेने का ही नहीं भाई। ये मिल जाएंगे पीछे की सेटिंग्स करने के लिए, और ये पीछे के एसी वेंट्स, ठीक है।
मून रूफ दिखाई दी, एक बार चढ़ के देखते हैं भाई सनरूफ में क्या स्वाद आते हैं। यार खोलनी पड़ जाएगी अब मेरे को, चलो मैं खोल के दिखाता हूँ। पीछे की सीट्स की बात करूँ यार, पीछे की सीट्स में मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ से आप पीछे के भी सेट कर सकते हो, बाकी पीछे की सीट्स भी दिखाई देता हूँ यार। चलो यहाँ तक आया हूँ, पीछे की सीट्स नहीं दिखाऊंगा तो रिव्यू अधूरा रह जाएगा यार। बाकी बेसिकली ये जो रिव्यू है एक जजमेंट के लिए कि गाड़ी लेनी चाहिए भी या नहीं। ठीक है, इस वाले बटन को दबा के सीट आगे करोगे तो सीट आगे जैसे नॉर्मली गाड़ियों में हो जाती है ना, वैसे। पीछे से दिखाऊं तो कुछ ऐसी गाड़ी है। अच्छा थोड़ा सा और आगे करता हूँ उसको, रुको। यहाँ से नहीं घुस पाओगे भाई, मैंने अभी यहाँ से घुसने की कोशिश करी, मैं फंस गया यार लिटरली। पीछे की सीट मैं नहीं दिखा पाऊंगा अभी कि यार ये बंदी सी हुई है और मेरे बेसिकली हाथ जो है वो टाइटन है, तो मैं दिखा सकता था, लेकिन ये जो सीट है कुछ मैकेनिज्म प्रॉब्लम है, डेमो की गाड़ी है ना इसीलिए। पीछे देख लो वहाँ पे स्पीकर्स मिल जाएंगे वहाँ पे, ठीक है, और वो थोड़ी टूल किट वूल किट वगैरह पड़ी होगी इनकी, ये सब मैंने आपको दिखा दिया। ये हाइट एडजस्टेबल भी है आपकी सीट, ऊपर उड़ जाएगी, और यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, वो आगे में मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये थी भाई हमारी किया सेल्टोस या कार्निवल। तो भाई जो रिव्यू था ना वो बेसिकली एक जजमेंट था कि किया कार्निवल में आपको क्या क्या मिलेगा, बेसिक फीचर्स और सारी जो डिटेल्ड चीज़ मैं आपको दिखा सकता था वो। एक और चीज़ है, बंदे पूछते हैं इसकी फिजिकल की कैसे निकलेगी। चाबी को पकड़ो, यहाँ से ऐसे दबाओ, ये फिजिकल की बाहर आ जाएगी। ठीक है, ये जो बजाज की गाड़ियों में देखते हो, महिंद्रा में देखते हैं, नहीं महिंद्रा में नहीं देखने को मिलेगी, ये बड़ी गाड़ी में जैसे वॉक्सवैगन में देखने को मिलती है ना, ये वो चीज़ लगा के दी है मैंने। यहाँ से फिजिकल की लगा सकते हो। वीडियो में एक चीज़ कंक्लूड करना भूल गया था, यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, ठीक है, एसी का वो जो मैंने आपको मोड दिखाया था उसमें भी मैक्स वोल्ट का वो उसको करने के लिए, और ये किसका मोड है भाई, शायद से उसका करने का होगा, MID कंट्रोल का। ये लाइट एडजस्टमेंट मिल जाएगी, ये फ्यूल को खोलने के लिए है। ठीक है, यहाँ से आप अगर आप सीट बोलते हो कि आगे पीछे कैसे जाएंगे, इससे जाएंगे, ये मोटर लगती है ना इनमें, ये ऑटो एडजस्टेबल और आगे पीछे करने के लिए। ठीक है, ये बाकी मेरे को इलेक्ट्रिक चीज़ समझ में नहीं आती भाई ज़्यादा जो बात है। ठीक है, गाड़ी को स्टार्ट करके सीट आगे पीछे करके दिखाता हूँ भाई कैसे जाएगी, देख लो। अच्छा ये तो है भाई इसको करने के लिए, ये है भाई सीट को आगे पीछे करने के लिए, ये है ऊपर, देखो ऊपर आ रही है ना, पता नहीं कैमरे में कैप्चर हो रहा है नहीं हो रहा है, ऊपर आ रही है। सीट्स देखोगे ना, एक दो, भाई मेरे हाथ लिटरली बहुत ही ज़्यादा गंदे हो गए हैं बारिश के चक्कर में, मैंने गाड़ी चलाई थी ना, तो ये बिल्कुल, ये जो चीज़ है ना बिल्कुल अंदर को है, आप गड्ढे में बैठ जाओगे, गाड़ी में बैठ के ही कहोगे यार ये मैं कहाँ बैठ गया यार, बिल्कुल ही अंदर हो गई गाड़ी, तो वो चीज़ हो जाती है। क्रूज़ भी मिल जाता है, ठीक है, ये MID की सारे फंक्शंस, यूरिया लेवल, अच्छा इसमें यूरिया भी डलता है भाई, अच्छा इसमें यूरिया के लिए भी वो दे रखा है कि भाई कितना है यूरिया टैंक का, जैसे आप बोल सकते हो गेज, कितना यूरिया भरा हुआ है गाड़ी में। ज़्यादातर गाड़ियों में नहीं दिया होता ना, इसलिए मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन भी दी। गाड़ी कर चुके हैं बंद, चलो तो आज के लिए इतना ही, दोबारा से बोल रहा हूँ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई।